हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर 2019 जनवरी महीने के। इस वीडियो में आपको 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विथ आंसर बताएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि SSC, RRB, बैंकिंग इत्यादि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट्स है। करंट अफेयर के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन बैंक इज नॉट वन ऑफ द 3 बैंक्स दैट विल बी मर्ज टू फॉर्म द 3rd लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। तो वो कौन सा हमारा बैंक है जो उन 3 बैंकों में से नहीं है, जो मिलकर हमारा 3rd लार्जेस्ट बैंक बना है इंडिया का। तो हमारा पहला ऑप्शन है विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक एंड देना बैंक। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक है इस तीनों में से, चारों में से, जो इस तीनों बैंक से मिलकर नहीं बना है। तो हमारा विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक जो है, जो मिलकर 3rd लार्जेस्ट बैंक बना है इंडिया का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर एज फ्यूगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर अंडर द न्यू फ्यूगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट। तो हमारा कौन सा पहला पर्सन है जो डिक्लेयर किया गया भगौड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के तहत। फ्यूगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर मतलब भगौड़ा आर्थिक अपराधी। हमारा फ्यूगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर का मतलब हो जाएगा भगौड़ा आर्थिक अपराधी। कौन सा ऐसा पहला पर्सन है जिसको डिक्लेयर किया गया इसके एक्ट के तहत। तो हमारा पहला ऑप्शन है विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी एंड मेहुल चौकसी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विजय माल्या। विजय माल्या जो है वो पहले पर्सन है जिसको डिक्लेयर किया गया फ्यूगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर के तहत। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच मूवी विंस द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इन द 2019 गोल्डन ग्लोब्स। कौन सी ऐसी मूवी है जो बेस्ट मोशन पिक्चर जीती है 2019 गोल्डन ग्लोब्स में। तो बेस्ट मोशन पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स मतलब हमारी जो फोटोग्राफ्स है उसके तहत हमारी क्या होती है, मूवी पिक्चर दिखाई जाती है, जिसको एक मूवी बनाई जाती है, जिसको हम ड्रामा है वो एक जो जीता गया है 2019 गोल्डन ग्लोब्स में। पहला ऑप्शन हमारा है ग्रीन बुक, सेकेंड है द वाइफ, थर्ड है रोमा एंड फोर है बोहेमियन रैप्सोडी। तो हमारा इसका आंसर होगा बोहेमियन रैप्सोडी। तो इस जो हमारा बोहेमियन रैप्सोडी है वो बेस्ट मोशन पिक्चर एक्ट के तहत, बेस्ट मोशन पिक्चर इसको अवार्ड दिया गया है 2019 गोल्डन ग्लोब्स में। तो हमारा नेक्स्ट है, द 2019 प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड ऑन विच सिटी। सबसे पहले हम जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन, इसी दिन महात्मा गांधी क्या हुआ था, जो अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, तो इस दिवस को 2003 से मनाना शुरू किया गया था और इसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से घोषित किया गया। और ये 2019 में किस सिटी में आयोजित हुआ। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है कानपुर, तीसरा अहमदाबाद और डी ऑप्शन है सूरत। तो प्रवासी भारतीय दिवस हमारा वाराणसी में आयोजित किया गया था 2019 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम द सेंटर्स एम्बिशियस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पहले बताते हैं, ये एक जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये एक योजना, स्वास्थ्य योजना है जिसे भारत में 2018 में लागू किया गया था। इस योजना को श्री अरुण जेटली, जो वित्त मंत्री हैं भारत के, उन्होंने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इस योजना से क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कर्नाटका, राजस्थान,
जम्मू कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, वेस्ट बंगाल जो है वो क्या किया है, उसने इस योजना से एग्जिट कर दिया है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील, सबसे बड़ी सिंगल लेन स्ट्रीट जो सस्पेंशन ब्रिज है वो किस स्टेट में इनॉग्रेट की गई। तो सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, जो हमारा जो सस्पेंशन ब्रिज होता है, एक टावर होता है उस ब्रिज पे, जिससे हमारी केबल क्या होती है, बंधी होती है, और वो क्या होता है, एक ब्रिज होता है जो हमारा ये टावर पे रहता है, केबल पे रहता है, केबल के सपोर्ट पे हमारा वो ब्रिज रहता है, तो वो केबल सस्पेंशन ब्रिज होता है जो सिंगल लेन स्टील से बना है। तो किस स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया, असम, मिजोरम, मेघालय, या चौथा ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, इस स्टेट में हमारा जो है सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। द लोकसभा हैज पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकल वीकर। जो हमारा लोकसभा है वो कौन सा बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कौन सा बिल पास किया, रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकल वीकर, जो आर्थिक रूप से वीकर हैं उनके लिए कौन सा बिल पास हुआ। तो हमारा ऑप्शन है पहला 120, सेकेंड 122, थर्ड है 124 एंड फिफ्थ है 125। तो हमारा जो 124th बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकल वीकर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए हमारा 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर इन जनरल कैटेगरी। कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पे इंडिया में 10% कोटा दिया गया किसे, इकोनॉमिकली वीकर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है इन जनरल कैटेगरी, किस स्टेट में। तो पहला स्टेट कौन सा है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा पंजाब एंड फोर्थ वन है महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। तो पहला गुजरात स्टेट में जो है 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर को दिया गया जनरल कैटेगरी में, तो हमारा पहला स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 वन डे विकेट। तो कौन सा ऐसा पहला इंडियन है, फास्टेस्ट इंडियन, जो हमारा सबसे तेज 100 विकेट लिया हो। तो वो हमारा पहला ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, सेकेंड अविन चंद्र अश्विन, थर्ड जसप्रीत बुमराह एंड फोर्थ वन इज मोहम्मद शमी। तो इसका आंसर होगा हमारा मोहम्मद शमी, जिसने फास्टेस्ट 100 विकेट्स लिए इंडियन में। हमारा 10th क्वेश्चन, हु विंस द मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी इन 2009। मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी जो 2019 में हुई वो किसने जीती। तो हमारा पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर एंड लास्ट एंडी मुरे। तो हमारा जो मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी है वो जीता है हमारा नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, हु विंस द वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी इन 2019। अब वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ट्रॉफी जो हुआ ओपन ट्रॉफी 2019 में, वो किसने जीता था। हमारा पहला ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, सेकेंड कोरलिन वोजनियाकी, थर्ड एंजेलिनिकू कर्बर एंड फोर्थ वन इज नाओमी ओसाका। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा नाओमी ओसाका, जिसने वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी 2019 में जीती, जो हमारी टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अटेंड द 2019 रिपब्लिक डे एज अ चीफ गेस्ट। इंडियाज में जो अभी रिपब्लिक डे हुआ उसमें कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे जो हमारे चीफ गेस्ट थे। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा थाईलैंड, सेकेंड ऑप्शन जापान, सी साउथ अफ्रीका एंड डी मलेशिया। तो जो हमारे
प्रेसिडेंट थे वो साउथ अफ्रीका के थे, जिन्होंने हमारा रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बने थे। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, विच फेमस सिंगर इज अवार्डेड विद भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 2019। तो कौन से फेमस सिंगर हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन द 2019। तो पहला ऑप्शन है भूपेन हजारिका, सेकेंड मन्ना दे एंड सी आशा भोसले एंड द डी ऑप्शन इज लता मंगेशकर। तो हमारा ऑप्शन है इसका भूपेन हजारिका, जो हमारे फेमस सिंगर हैं उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2019 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि विच सिटी इंक्लूडेड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज एज बी यूज्ड इन इट्स कोर्ट। कौन सी विच सिटी इंक्लूडेड हिंदी को क्या हुआ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की गई उसकी कोर्ट्स में। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है दोहा, सेकेंड है सिंगापुर, थर्ड है कुआलालंपुर एंड द फोर्थ वन इज अबू धाबी। तो अबू धाबी में हिंदी इज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन इट्स कोर्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो 15th क्वेश्चन है, वो है विच टीम विंस द 85th रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2019। कौन सी टीम है जो 85th रणजी ट्रॉफी टाइटल जीती है 2019 में। तो पहला ऑप्शन हमारा दिल्ली, बी ऑप्शन मुंबई, सी विदर्भ एंड द डी सौराष्ट्र। तो हमारा विदर्भ जो होगा वो सही आंसर होगा कि जिसने 85th रणजी ट्रॉफी 2019 में जीती है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन था जनवरी महीने का। और भी आपको जनवरी मंथ के क्वेश्चन डेली आपको करंट अफेयर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही हमारा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।